सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज बाइकर किंगस्टन्स व्लॉग। और आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो है NS200 को लेकर। इस वीडियो पे मैं NS200 ABS 2018 मॉडल के ऊपर रिव्यू बनाऊंगा, जो कि मैंने कुछ दिन पहले, मेरे जो दोस्त है वो ख़रीदा है, तो उसका बाइक मैंने चलाया था। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस और इन डेप्थ कुछ बातें, कुछ रिव्यू, कुछ इन्फॉर्मेशन अब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिए। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होगा ये वीडियो, जो लोग NS ख़रीदना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हैं कौन सा ABS ले या ABS बिना वाला ले, कौन सा वाला लेना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो सब के ऊपर मैं कुछ बातें शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा जो बाइक है वो मेरा फ्रेंड सम्राट चला रहा है, और उसका जो ब्रांड न्यू NS है वो मैं चला रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बाइक के बारे में, जिस पॉइंट के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, वो है एग्जॉस्ट नोट। जी हाँ, इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है, पहले वाला जो PS4 नहीं था, जो NS बहुत पहले लॉन्च हुआ था और बाद में बंद हो गया था, दोनों का साउंड नोट बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट ज़्यादा नहीं लगता। दोनों में जो साउंड नोट है काफ़ी अभी भी सिमिलर है, लेकिन अभी का जो साउंड है थोड़ा सा स्मूथ ऐसा मुझे लगता है। और पर्सनली मुझे NS200 का एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, आप जितना लो गियर में, हाई RPM में चलाएंगे, आपका साउंड बहुत लाउड और बहुत ही खूबसूरत सा आउटपुट आपको मिलेगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो बाइक मैं चला रहा हूँ वो है ब्लैक, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही डोप और बहुत ही कूल लगता है। लेकिन पर्सनली मुझे जो कलर सबसे अच्छा लगा वो है वाइट, और जो वाइट वेरिएंट में जो NS200 अभी मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को रेड भी अच्छा लग सकता है, किसी को ब्लैक भी अच्छा लग सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे वाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं फील्ड में जाता हूँ, मतलब मुझे इस बाइक को चलाने में कैसा लग रहा है उस बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो बाइक पहले से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब जो बाइक BS4 वेरिएंट NS200 था उससे बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसका। पिकअप बहुत ही खूबसूरत, स्मूथ और बहुत ही एग्रेसिव, बट एग्रेसिवनेस के साथ जो स्मूथनेस यहाँ पे मिलता है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। लेकिन ये बाइक ब्रांड न्यू है, ये स्मूथनेस और एग्रेसिवनेस कितना दिन रहेगा, टिकेगा, ये तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, इस बाइक में तो दम है। तो गाइस, तो माइलेज के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे 200 NS को जो माइलेज देता है ऑन रोड, अगर आप सिटी ट्रैफिक राइडिंग करते हैं तो 30 और 20 के बीच में एक माइलेज आपको मिलेगा, जो कि डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल में। वैसे ही आपका हाईवे या फिर लॉन्ग राइड्स में आपको 35 से 40 माइलेज यहाँ पे मिलेगा, जो कि इसका पावर डिलीवरी और इसका टॉर्क ये सब
मिला के अगर देखा जाए तो ये माइलेज बहुत बुरा नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपको यहाँ पर पावर मिलता है आपको थोड़ा बहुत माइलेज के साथ एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो 2017 BS4 NS200 में जो पावर है, डिलीवरी है, वो स्मूथ है, लेकिन ये अभी भी कार्बोरेटर इंजन है। यहाँ पे FI टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका जो थ्रॉटल रिस्पांस है ये बहुत ही स्मूथ है इसकी। तो NS200 BS4 का जो टॉप स्पीड है, आप आराम से इस बाइक को 130 किलोमीटर पर आवर तक भगा सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा डेस्परेट है तो इसको आराम से 140 किलोमीटर पर आवर तक ले जा सकते हैं। तो कार्बोरेटर इंजन होने के साथ यहाँ पे आपको माइलेज थोड़ा सा कटआउट मिलता है। अगर FI इंजन होता तो माइलेज आपको ज़्यादा मिलता, लेकिन पावर डिलीवरी और जो टॉर्क और दूसरा जो भी आप बोले वो थोड़ा सा कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे कार्बोरेटर इंजन होने के कारण आपको काफ़ी एग्रेसिव पावर फील करना मिलता है। और बाइक का जो कंट्रोलिंग है बहुत ही अच्छा कंट्रोलिंग है, बहुत स्मूथ है और बहुत ही वेल बिल्ड। यहाँ पे आपको पूरा पैकेज मिलता है और कंफर्टेबल राइडिंग सीट दोनों सामने और पीछे दोनों का राइडिंग सीट ड्यूक 200 या फिर इस सेगमेंट का 200 सेगमेंट का किसी भी स्ट्रीट फाइटर बाइक में इस NS200 मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक लगता है। ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है जो कि बिना कोई ABS होने से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप सिंगल चैनल ABS है, इससे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट होने का कोई रीज़न नहीं है। एक राइडर हमेशा अपने बाइक को जब ब्रेक करता है 70% फ्रंट और बाकी का जो प्रेशर है पीछे का ब्रेक में यूज़ करता है, तो इस हिसाब से ABS अगर सामने है तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और पर्सनली मेरे ओपिनियन और एक्सपीरियंस में अगर कोई बाइक सिंगल चैनल या फिर डुअल चैनल आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो आपको ABS ही लेना फर्स्ट प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ABS कैन सेव योर एस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन। तो अगर आपको यहाँ पे सिंगल चैनल ABS मिलता है तो सिंगल चैनल ABS आपको लेना चाहिए। आपको यहाँ पे जो विदाउट ABS वाला से NS200 मिलता है वो आप तभी ले जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड राइडर हो या फिर आपके ज़िंदगी का कोई मायने नहीं रखता। तो ये दो रीज़न अगर है तो आप बिना ABS वाला बाइक चला सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर कोई फर्स्ट बाइक खरीद रहा है और वो ABS नहीं है तो प्लीज़ गाइस आप ABS वाला बाइक लो या फिर थोड़ा कम CC वाला बाइक लो। इस बाइक में कुछ ज़्यादा ही पावर डिलीवरी है। तो अभी मैं इस बाइक का सिर्फ अच्छे बातें बता रहा था, तो कुछ बातें है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, जो कि थोड़ा सा पल्सर यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता था, वो बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। जो बैड पॉइंट्स है इस बाइक के बारे में, वो पहला जो है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ये एक इशू है बिकॉज आप इस बाइक पैसा दे के ख़रीद रहे हैं। इस बाइक में जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, इसका जो पुराना वाला NS200 है वहाँ पे बहुत ही बेटर क्वालिटी और हार्ड मटेरियल वाला प्लास्टिक यूज़ किया गया था, लेकिन इस बाइक में जो कि 2017 PS4 वेरिएंट जो रिलॉन्च हुआ है, इस मॉडल में जो प्लास्टिक जो फाइबर्स यूज़ किया गया है वो पहले वाले फाइबर्स प्लास्टिक से काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है
2017 में जितना भी नए बाइक्स जितना भी रिलॉन्च हुआ है, जो नए वर्जन्स है, जो BS4 है, सब बाइक में आपको देखने को मिलेगा। जो मटेरियल है वो पहले वाले बाइक्स के मटेरियल से थोड़ा सा चीप फील होता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है बाइक का हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है, बाइक का जो बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो शॉक एब्जॉर्बर्स है वो मुझे पर्सनली बहुत ही हर्ट लगा ऑफ रोडिंग के टाइम पे। जब आप किसी पोट होल्स या फिर बैड टेरेंस में ये बाइक चलाते हैं तब आपको थोड़ा झटका, वाइब्रेशन और जो इम्पैक्ट ग्राउंड के साथ होता है वो आप एकदम क्लियरली अपने बॉडी पे महसूस कर सकते हैं, जो कि एक राइडर को, एक बाइकर को बहुत ही ज़्यादा टायर्ड या फिर डिस्टर्बिंग लग सकता है। अगर यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर्स थोड़ा सा स्मूथ या फिर थोड़ा सा हल्का लाइट होता तो आप आसानी से पॉट होल्स को टैकल किया जा सकता था और ऑफ रोडिंग भी काफ़ी अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे आपका जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो थोड़ा सा हॉट है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगा, ये ब्रांड न्यू बाइक है तो इसका शॉकर जितना दिन जाएगा इसका जो शॉकर ऑयल है ये पतला होगा और थोड़ा सा स्मूथ होगा। ये दोनों बात मुझे अच्छा नहीं लगा या फिर आप बोल सकते हैं मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। और एक और पॉइंट जो कि कार्बोरेटर इंजन, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर मार्केट पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन से आपको ज़्यादा माइलेज मिलता है, आपको आपके हिसाब से आप पावर एडजस्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पावर डिलीवरी मिलता है और आपका जो फ्यूल है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे आपको FI इंजन नहीं मिलता। और लास्ट में, आखिरी में जो बात मैं कहना चाहूँगा, अभी मेरे घर पे फास्ट लॉट जब बंद NS200 मार्केट में सेल होना बंद हो चुका था, मैन्युफैक्चर बंद हो चुका था, उसके पहले जो NS लॉन्च हुआ था वो बाइक अभी भी मेरे घर पे है और उसे मेरा घर पे फैमिली मेम्बर चलाता है। तो अभी भी मैं कभी कभी वो बाइक चलाता हूँ, कभी बुरा हो गया है लेकिन पावर डिलीवरी उसमें भी अभी भी ऑसम है। लेकिन जो चीज़ मुझे बुरा लगा वो है वाइब्रेशन। यस, 200 NS का जो इंजन है वो KTM का ही इंजन है, KTM 200 का सेम इंजन, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम पावर डिलीवरी, सब कुछ सेम है, बस बाहर से आपको वो KTM वाला थप्पा नहीं मिलेगा, लेकिन इस इंजन और ड्यूक 200 का इंजन सेम है। तो अगर कोई ड्यूक 200 राइडर है, कोई ड्यूक 200 चलाया हुआ एक्सपीरियंस बंदा है तो उसके पास जाके पूछ सकते हैं आप, जितना गाड़ी ओल्ड होता जाता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। और यहाँ पे NS200 में भी ड्यूक 200 की तरह आपका बाइक धीरे धीरे वाइब्रेशन करना चालू होता है, जो कि बाद में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। तो सो गाइस, आज के लिए NS का रिव्यू इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और चाहो तो फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और पेज में भी लाइक कर सकते हो। दूसरा कोई बाइक चाहते हैं या फिर ऑप्शन में दूसरा कोई बाइक आप खरीदना चाहते हैं तो आप TVS Apache 200 Racing Edition with Sleeper Clutch and Dual Channel ABS, जी हाँ, NS200 को अगर कोई बीट कर सकता है तो Apache 200 Racing Edition।